तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है कार्तिक के कमरे से। आप देख सकते हो, ये रहा कार्तिक, सो रहा है। और क्योंकि रात को मैं यहीं पे सो गया था, मामा जी लेट आए थे, तो मामा जी मेरे कमरे के अंदर सो गए उस वाले, और मैं यहीं पे सो गया था। मेरे को पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। टीवी चल रही थी वो, तो मामा जी ने आके बंद कर दी थी। अभी बताया नानी जी ने कि यार तू तो टीवी चला के सो गया था। अभी जैसे उठा हूँ, मुँह वगैरह धोएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद नहाते हैं और मिलते हैं सीधा नानी के बाद यार। तो हेलो जी, व्हाट्सअप, अभी एकदम हो चुके हैं अपन, नहा दोगे रेडी, और नानी जी बना रहे हैं नाश्ता। कल रात को नानी जी आ गए थे, आपको बता दिया था, क्योंकि रात को नानी जी लेट आए थे थोड़े, तो नानी जी आते ही सो गए थे। रात को तो खाना खा लिया था जल्दी जल्दी, कुछ नहीं व्यू एंजॉय करा पाए आपको। अभी नानी जी बना रहे हैं मस्त अपना खाना, और चलते हैं नानी जी के पास और देखते हैं यार खाना बना दिया होगा उन्होंने। नानी जी बना दिया खाना। तो गाइस, नानी जी ने अपने लिए खाना बना दिया है, यही है ना इसके अंदर। और ही करते हैं पैक और चलते हैं सीधा उस घर पे, लेके आता हूँ अखबार वहां से, और 43 भी लेके आनी पड़ेगी ना, पैक करते हैं और चलते हैं यार, मिलते हैं सीधा उस घर पे जाके। रोमियो का काम बहुत ज्यादा करना होता है, आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह के 6:30 बजे हैं, 6:30 बजने वाले आप देख सकते हो टाइम। और अभी चलते हैं यार सीधा सीधा उस घर पे, नहा दोगे मस्त, नहा दोगे रेडी हो गए। आज उतनी ज्यादा सर्दी है नहीं, बाइक पे पता चलेगा है या नहीं। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि देख सकते हो मैंने सिर्फ एक जैकेट और एक टी शर्ट पहन रखी है बस। अभी इनर वगैरह सबके पहन के लेकिन यार बाइक पे बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, पता है मेरे को, ये घर पे नहीं होती, बाइक पे बहुत ज्यादा लगती है यार। तो पहनते यार इसके अंदर करीब अपनी इनर और निकलते हैं सीधा। तो आप अभी जस्ट इस घर पे पहुंच चुका हूँ, अभी जस्ट आया हूँ। सबसे पहले तो मांसू की बाइक निकालेंगे, उसके बाद रोमियो को यहाँ पे खड़ा कर देंगे कुछ देर, और उसके बाद बाहर खड़ा कर देंगे। अभी थोड़ी ठंड है सुबह सुबह बस, बाकी दोपहर के अंदर फुल गर्मी होती है, फुल धूप आती है। और आज देखो मैं क्या लेके आया, चीज लेके आया हूँ, ये देखो मामा जी लेके आए थे मेरे लिए और कार्तिक के लिए, ये देखो रात को। बट कार्तिक ने तो अपना फ्लेवर मिल्क है भाई, पिस्ता फ्लेवर मिल्क है, तो कार्तिक ने अपना मस्त रात को पी लिया था। मैंने भी अभी सुबह सुबह उठकर देखा वहां पे पड़ा हुआ था घर के अंदर, तो मैं लेके आ गया इतना, तो मैं आधी बोतल पी गया ये लोग, और अभी तक आधी पड़ी है भाई, क्या ही टेस्टी है ये तो। और रोमियो को काम करते हैं स्टार्ट, सबसे पहले मासू और की बाइक निकालते हैं। और अब तो यार धूप आने भी मिलेंगे सीधा यार, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। रोमियो को साफ सफाई करनी है, क्योंकि 7:30 बजे के आसपास टाइम हो चुका है, और अभी 8 बजे या 8:30 के आसपास धूप भी आ जाएगी। 1 घंटा मेरे को आराम से लगेगा, अभी साफ सफाई करने में बहुत काम है यार। ये देखो रात को हमने टूटी जोड़ दी, बट एक भी यार अभी तक देखो लीक नहीं है, फुल एकदम कवर अप हो गया यार, नहीं तो पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता। तो अभी अपन करते हैं साफ सफाई स्टार्ट, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद सीधा रोमियो को उस ग्राउंड के अंदर लेते ही। तो अभी गाइस फाइनली धूप आ चुकी है, और रोमियो को भी मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। आप देखो यार ये खड़ा अपना रोमियो, ये देखो। और सुबह में इतनी ज्यादा सर्दी होती है ना, और दोपहर के अंदर इतनी ज्यादा धूप, अभी मौसम पता नहीं कैसा अजीब भी हो रहा है। और आज पैर धोए थे रोमियो के, देखो साफ किया था, पूरा नहलाया था ना रोमियो, पूरा नहलाया था तेरे को, नहीं कर गंदा बच्चा है क्या। ये देखो भाई फुल एकदम क्लीन लग रहा है अपना रोमियो, और इसको कचरा भी मैंने दिया ही था अभी जस्ट, ये तो खा गया। चलो चलते हैं अंदर से कचरा और ले जाते हैं, पानी पिएगा क्या? ये देखो टब भी यहीं पे पड़ा यार कचरा वाला, पानी पिएगा, चेक कर ले भाई, प्यास भी लगी हुई तो पी लेता है मस्त पानी। इसको कचरा दे देते और अपन भी कुछ देर बाद खाना खा के आएंगे। और शाम को यार मैं सोच रहा हूँ आज बहुत ज़्यादा मतलब अपनी कटिंग बढ़ चुकी है, तो चलते हैं यार सैलून कटिंग करा के आते हैं। वो तो शाम को पता चलेगा यार, मामा और को पूछेंगे, और शाम को टाइम मिलेगा तो ज़रूर चलेंगे यार। आज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, देखो ये ऊपर वाले नहीं कटाऊंगा, सिर्फ साइड वाले कटाऊंगा यार, और साथ में ये बियर्ड भी हो जाएगी, शेविंग भी करा लेंगे उससे ही। तो शाम को चलते हैं यार सीधा कटिंग कराने, और अभी रोमियो के लिए पहले तो लेके आता हूँ कचरा यार अंदर से, पानी तो पी रहा है मस्त अपना, पी लिया। तो लेके आते हैं रोमी को यार अंदर से कचरा, ये ले लिया मैंने अंदर से कचरा, अभी चलते हैं रोमी को देखे आते। तो गाइस कचरा डाल दिया रोमी को, तब लेके चलते हैं वापस अंदर, तब ले लेते हैं अंदर यार, और शाम को यार पक्का चलेंगे आज कटिंग कराने में। अभी मामा आ जाए, मामा से पूछते हैं यार कि आज करा के आ सकते हैं क्या कटिंग। आज डे भी वेनसडे है, तो कोई वो तो बात है नहीं, मंडे तो है, संडे सॉरी ट्यूजडे तो है नहीं, तो आज चलते हैं यार शाम को पक्का जरूर चलेंगे कटिंग कराने। तो अभी कुछ देर बाद अपन भी खाना खा के आते हैं यार, मम्मी को तो खाना पीना कंप्लीट कर दिया मैंने, दे दिया वो तो अपना मस्त खाना पीना खाएगा, और अपन भी कुछ देर बाद खाना खा के आएंगे।
तो अभी गाइस जस्ट फाइनली शाम हो चुकी है और रोमियो को भी अपन अंदर लेके आ चुके हैं, इसको दाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया और अभी चलते हैं सैलून। मामा को कॉल किया, मामा का कोई काम 10 मिनट के अंदर आ दें, उसके बाद अपन चलते हैं सीधा सैलून। ओ नंदी देवता, तो उसके बाद चलते हैं अपने और सीधा सैलून। देखता हूँ यार वहाँ पे व्यू एंजॉय करा पाता हूँ, नहीं करा था बट अभी आप देख लो कैसे बाल है और उसके बाद देखना कैसे होंगे। तो अभी गाइस जस्ट अपन निकल चुके हैं घर से, नहा धोके रेडी होके मामा ने कहा रेडी को चले जाता तो कि वहां से बाल आप वॉश कर लेना और सीधा घर पे चलेंगे। चलो चलते हैं यार जल्दी से, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। मामा तो कभी आ गए थे, मैं नहाने में टाइम लग गया था थोड़ा। तो रोमियो का सारा काम कम्प्लीट है, अभी सीधा यहाँ पे कटिंग सैलून कराएंगे, सैलून से कटिंग कराएंगे और उसके बाद कार्तिक को पिक करके सीधा उस घर पे चलेंगे। तो चलो चलते हैं। जस्ट सैलून पे तो पहुंच चुका था, ये रहा अपना सैलून। बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है यार अंदर, तो भाई कुत्ते हैं और हेलमेट यहीं पे लटका देते हैं, अपन चलते हैं अंदर। फुल कटिंग आप देख सकते हैं यार, क्या ही लग रही है आपको। वहाँ पे यार बहुत ज्यादा बंदे थे, वहाँ पे शूट नहीं कर पाया, थोड़ा ही शूट कर पाया था। बाद में टेबल चेंज कर दी थी क्योंकि वो वहाँ पे हेयर वॉश करने वाली थी टेबल, तो फिर मैं सेकंड टेबल पे बैठा था और तभी वीडियो वहीं पे मैंने बंद कर दिया था। अभी चलते हैं यार कार्तिक को पिक करते हैं और उस घर पे चलते हैं। तो अभी गाइस जस्ट घर पे आ चुका हूँ यार, वहाँ पे बाल वॉश तो कराए थे बट वहाँ पे ऑयल नहीं था, तो मैं भी ऑयल लगाया। क्या ही ब्लैक लग रहे हैं, ये अच्छी लग रही है। नानी जी कैसी लग रही है कटिंग आज? अच्छी लग रही है। और नानी जी और यहाँ पे कुछ सामान देख सकते हो आप, बिखेर रखा है फुल। और कार्तिक को पिक करने गया था, मैंने सोचा कार्तिक को लेकर चलते हैं बट कार्तिक और मामा दोनों गए हैं अपने, कार्तिक अपने ननियाल गए हैं, मामा जी अपने ससुराल गए हैं और वो तो अब कल आएंगे ना मामा, तो कल मामी जी और कुंज को भी साथ में लेके आ जाएंगे और साथ में वो दोनों काम हो गए। कार्तिक का तो मैच था तभी, तो कार्तिक मामी जी के साथ नहीं गया था, तो वो नहीं करना वो भी चला जाता। अभी पता नहीं यार, कब मैंने सोचा कार्तिक को आके पूछूंगा कि क्या रिजल्ट रहा उसका, मतलब जीते हारे कुछ तो पता चलेगा, बट नहीं कार्तिक तो है नहीं। मैं तो वहां पे गया था यार दौड़ के, मैं जल्दी से सैलून से कटिंग करवा के वहां पे कार्तिक को लेने गया था बट आगे दुकान के ताला था। मामा को कॉल किया, मामा जी कह रहे हैं मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे ही, हम तो निकल गए नान कार्तिक के ननियाल। और अपन अभी घर पे आ चुके हैं, नानी जी और देव सकते यार पूरा कमरा बिखेर रखा है, पूरा वहां पे भी बिखर गया सारा। अपन चलते हैं, नानी जी कह रहे हैं खाना बनाया हुआ है तो अपन चलते हैं, पहले खाते हैं खाना। वो नाना जी कह रहे हैं ग्रेज से कुछ लेने, कुछ खाली कट्टा वगैरह लेके आएंगे, उसके अंदर सामान डालेंगे, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है तो देखते हैं यार। ओ भाई रसगुल्ला बहुत अच्छा यार, मीठा मीठा मीठा। मासा मेरे है ना ये चारों मेरे है क्या ये? ठीक है। तो गाइस यार तो यार मिठा आ गया, मिठा इतना ज्यादा मूड था ना अभी मिठा खाने का। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लड्डू है, इसके अंदर दूध होगा। नाना जी कह रहे हैं पहले चाय बना मां सारे के लिए और नाना जी के लिए, दोनों के लिए बनाते हैं चाय अपन। तो भी गाइस मैंने चाय के लिए पानी उबलना गैस पे रख दिया है, अभी नाना जी और नानी जी के लिए बनाते हैं पहले चाय, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो फिर देख लेते हैं यार, चेक कर लेते हैं क्या क्या बना है खाने के अंदर। ओ भाई गोभी की सब्जी, रोटी 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 कहाँ पे होगी, इसके अंदर होगी। ओ बाजरे की रोटी यार, बाजरे की रोटी नहीं है सिर्फ, इसके अंदर बाजरा मूंग शायद और चना और जौ
ये चार पांच चीजें मिलाई हुई आटा पिसाई हुआ, क्या ही टेस्टी है यार, रोज खाता हूँ मैं तो आजकल। कल भी यही खाया था कल, बट यार बता नहीं पाया क्योंकि वो एक्सीडेंट हो गया था ना, तो पूरा मूड खराब हो गया था कल। तो अभी नाना जी के बनाते बनाते हैं मस्त चाय, और उसके बाद अपन भी खाना खाते हैं।